एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ये ड्रामा लव ऑल प्ले एपिसोड 3। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में तायंग कोच को बताती है वो और ताईजुन अब से पेयर है, वो दोनों पार्टनर है, एक साथ खेलेंगे। और वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि अब उसे खेलने मिलेगा, अब तक वो ऐसे ही प्रैक्टिस करती रहती थी। ताईजुन भी खुश होता है उसकी इतनी खुशी देख के। जंग हवन ये सब देख रहा था, वो दोनों खेलने चले जाते हैं। जंग हवन बोलता है मैं भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ। कोच बोलते हैं नहीं, तुम्हें प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, तुम अपने सोशल मीडिया में पोस्ट वगैरह करते रहो, तुम्हें तो वही काम है, तुम आराम करो। जंग हवन इरिटेट होता है। जंग हवन तायंग को जाके बोलता है कि चलो एक मैच खेलते हैं। ताईजुन आके बोलता है नहीं, हम दोनों बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तुम बीच में मत आओ। योमिन अपने डैड से मिलने आई थी, वो भी बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर थी दूसरे एकेडमी में, और वो जंग हवन को देखे जा रही थी। जंग हवन तायंग को चैलेंज दे रहा था बार बार। कोच आके बोलते हैं आज सेल्फ प्रैक्टिस है, आज कोई मैच नहीं होगा। जंग हवन उन्हें धमकी देता है, बोलता है आपने प्रेसिडेंट के सामने बोला था कि मैं जैसी मर्जी वैसी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, आप मुझे टोकोगे नहीं। कोच चुप हो जाते हैं। योमिन आके जंग हवन को डांटती है कि तुम्हें कोई तमीज नहीं है, तुम उनसे कैसे बात कर रहे हो, वो तुम्हारे कोच है। फिर जंग हवन उसे बोलता है तुम आज मेरी पार्टनर बन जाओ। वो बोलती है मतलब? वो बोलता है आज तुम मेरी पार्टनर बनोगी इस मैच में। वो मान जाती है। फिर मैच शुरू होता है। जंग हवन और योमिन बहुत अच्छे खेल रहे थे, तायंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं खेल रही थी, उसके वजह से ताईजुन भी स्कोर नहीं बना पा रहा था। जंग हवन के टीम का 11 स्कोर हो गया था लेकिन उन लोगों का बस 0 ही था। ताईजुन को तायंग के फादर की बात याद आती है। ताईजुन ने जब उन्हें बताया था कि मैं आपकी बेटी का पार्टनर बनने वाला हूँ, उन्होंने बोला था उसने बहुत सालों से नहीं खेला है, उसका हुनर तुम्हें ही निकालना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और वो बहुत ज्यादा सिंपल है, उसे तुम्हें गुस्सा दिलाना होगा तभी वो अच्छा खेल पाएगी। ताईजुन को आइडिया आता है, वो तायंग से जाके लड़ने लगता है। वो बोलता है तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, तुम बस कॉर्नर में जाके खड़ी हो जाओ, मैं ही अच्छे से खेल लूंगा, तुम्हारी वजह से मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ। तायंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर तायंग बहुत अच्छे से खेलती है। पास्ट में उसकी स्पेशलिटी थी स्मैश और उसे लोग स्मैश क्वीन भी बोला करते थे। वो स्मैश खेलती है इतने दिनों बाद और वो एक पॉइंट कर भी लेती है। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और खुश भी होते हैं। फिर ताईजुन गिर जाता है और उसके पैरों में चोट लग जाती है, इसीलिए वो मैच वहां पे ही रोक दिया जाता है। लेकिन ताईजुन हंस रहा था। जंग हवन बोलता है मुझे पता है तुम्हें चोट नहीं लगा है। वो हंसता है और बोलता है नहीं, मैं पेन में भी हंस लेता हूँ। जंग हवन और यूमिन बात कर रहे थे। जंग हवन बोलता है अगर कोई पूछे तुमसे कि तुम कितनी अच्छी बैडमिंटन प्लेयर हो, तुम बता देना कि तुम जंग हवन के साथ खेली हो। वो बोलती है तुम अपने आप को इतने ऊपर क्यों रखते हो। फिर वो बोलता है तुम टीम वर्क बहुत अच्छा करती हो लेकिन तुम अपने ऊपर हाईलाइट क्यों नहीं होने देती, तुम बस मेरी हेल्प ही किए जा रही थी, मैं तुम्हारी वजह से बहुत अच्छे से खेल पाया हूँ लेकिन अपनी भी हेल्प किया करो। वो बोलती है नहीं, मैं डबल ही खेलती हूँ। फिर वो चली जाती है। जंग हवन उसे देख के हंस रहा था। कोच ताईजुन को बहुत ज्यादा डांट रहे थे क्योंकि उसने झूठ बोला था कि उसे चोट लगी है। वो बोलते हैं कि तुम में एथलीट बनने का कोई गुण नहीं है, तुम अपने आप को एथलीट समझते हो। फिर वो बोलता है क्या आप में कोच बनने का गुण है, आपको पता था कि तायंग अभी तक रेडी नहीं है मैच के लिए, वो भी जंग हवन के साथ, फिर भी उसको आपने खेलने दिया। अगर मैं नहीं बोलता कि मुझे चोट लगा है, उसे शायद चोट लग जाती, इसीलिए मैंने बोला। फिर वो उसे मारे जा रहे थे, उसे गुस्सा आता है और बोलता है आप मुझे टच मत करना, फिर उनका हाथ पकड़ लेता है। दूसरे कोच भी बोलते हैं कि आप कोई एथलीट को टच नहीं कर सकते हो, आप उसे मारना बंद कीजिए, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। फिर वो उन्हें ही धक्का दे देते हैं, वो गिर जाते हैं। फिर भी वो ताईजुन को डांटे जा रहे थे कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी और जंग हवन की जगह एक है, कहा वो और कहा तुम, उसके पास तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, तुम अपने हद में रहना, तुम्हें हमने लिया है यूनिस टीम में, ये मत भूलना, अगर तुम ठीक से नहीं रहे ना तो तुम्हें मैं देख लूंगा। ताईजुन बाहर आती है। तायंग ये सब बाहर से सुन रही थी छुपके। योमिन हॉस्पिटल गई थी जंग हवन के मॉम के पास
चेकअप करवाने के लिए। फिर वो पूछती है क्या जंग हवन आया था, वो तो रोज आता है। उसकी मॉम बोलती है हाँ आया था लेकिन थोड़ी देर पहले वो चला गया। फिर वो उसे ढूंढने लगती है लेकिन वो नहीं मिलता है। फिर वो उसे कॉल करती है लेकिन वो तो ऊपर बालकनी में खड़ा हुआ था। ह्यूमन झूठ बोलती है कि मैंने तुम्हें देखा है हॉस्पिटल में और मैंने तुम्हें हाय बोलना भूल गई, इसीलिए कॉल कर रही हो, तुम ठीक हो ना? और वो बोलता है फिर तुम अभी कहाँ हो? वो बोलती है मैं ना अभी ड्राइविंग कर रही हूँ। वो बोलता है ओ अच्छा। फिर वो पूछती है तुम कहाँ हो? वो बोलता है मैं भी ड्राइविंग ही कर रहा हूँ और मैंने तुम्हें देखा है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बोलती है नहीं मैं झूठ क्यों बोलूंगी, और हाँ मैंने ऐसे ही कॉल नहीं किया है, मुझे बस कुछ काम था। वो बोलता है क्या काम? वो बोलती है एक लड़की है तुमसे मिलना चाहती है। वो बोलता है ठीक है मिल लूंगा, जगह और कब मिलना है बोल देना। वो बोलती है लेकिन तुम पूछोगे नहीं कैसी लड़की है? वो बोलते हैं नहीं बस लड़की है यही मेरे लिए काफी है। फिर वो कॉल कट कर देता है। वो बोलती है ये कितना अजीब है, मतलब सिर्फ लड़की है यही चल जाएगा? ठीक है खराब है कुछ नहीं पूछेगा। फिर वो चली जाती है गुस्से से। जंग हवन हंसता है और बोलता है ब्लाइंडेड, वाह देखते हैं अगली बार ये क्या करती है। प्रैक्टिस के बाद सभी एथलीट एक साथ चेंज कर रहे थे। ताइजुन बोलता है मुझे कोई टीम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। यूरी ताइजुन को बोलती है तुम भी अपना शर्ट उतारो, देखते हैं तुमने कितनी हार्ड प्रैक्टिस की है, लेकिन वो शर्मा रहा था। तायंग दरवाजे से ताइजुन को देखे जा रही थी और बहुत ज्यादा हंस रही थी। उसके सामने फटाक से ताइजुन आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो बोलती है मैं देख रही हूँ। फिर बोलती है नहीं मैं देख नहीं रही हूँ, ऐसे ही थी यहाँ पे तुम्हारे लिए। फिर वो ताइजुन को टच किए जा रही थी और बोलती है तुम इतना ज्यादा एक्सरसाइज क्यों करते हो, तुम्हें उतनी एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं है। वो बोलता है नहीं मैं उतना भी नहीं करता हूँ। फिर वो उसके हाथों को टच करता है और देखता है उसे चोट लगी है। वो पूछता है तुम्हें चोट कैसे लगी? वो बोलती है नहीं ठीक हो जाएगा तुम टेंशन मत लो। फिर वो बोलती है चलो आज रात को हम प्रैक्टिस करते हैं। वो बोलता है नहीं आज तो नहीं हो पाएगा मेरे कुछ प्लान्स है। वो बोलती है प्लीज, लेकिन वो चला जाता है। तायंग रूम में काम कर रही थी। यंगसिम अपने बेटी के लिए कपड़े देख रही थी लेकिन बोलती है मुझे तो पता ही नहीं उसका साइज क्या है। यूरी हंसने लगती है कि तुम कैसी माँ हो, तुम्हें पता ही नहीं क्या साइज है और ये क्या डिजाइन है, बहुत ही बुरा है, बच्चों को ये पसंद नहीं आता है। यंगसिम को गुस्सा आता है। वो बोलती है मैं बस अपने बच्ची से 2 हफ्ते बाद एक बार मिलती हूँ, मुझे कैसे पता होगा, और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तायंग आके सिचुएशन को संभाल लेती है। ताइजुन अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गया था और उसके फ्रेंड्स उसे चिढ़ा रहे थे कि ताइजुन की एक गर्लफ्रेंड है और उसके लिए ताइजुन ने गिफ्ट खरीदा है। फिर तायंग कॉल करती है और वो लोग ताइजुन को पकड़ लेते हैं और एक कॉल उठाता है और बोलता है ताइजुन की हालत बहुत खराब है, वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया है, तुम प्लीज आके उसे ले जाओ। फिर उसका फोन लेके वो बियर के ग्लास में डाल देता है और बोलता है डोंट वरी तुम्हारा फोन तो वाटर प्रूफ है। ताइजुन बोलता है नहीं मेरा फोन वाटर प्रूफ नहीं है। फिर ताइजुन को वो लोग बहुत जोर से पकड़ लेते हैं और वो भागने लगता है। और फिर जाते वक्त बोलता है ताइजुन तुम मुझे कॉल करना जब तुम नया फोन ले लोगे और तुम यहीं पे रहना क्योंकि वो तुम्हें लेने आ रही है। वो बोलता है नहीं हम लोग उतना भी क्लोज नहीं है। वो लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं कि हमें पता है उसके लिए ही तुमने यूनिस टीम ज्वाइन किया था। और वो बोलता है अगर अब वो आई तो ड्रोम में कर्फ्यू लग जाएगा और हम दोनों ही ड्रोम के अंदर नहीं जा पाएंगे, इसीलिए उसका ना आना ही ठीक है। वो लोग चले जाते हैं लेकिन वो वेट कर रहा था, उसे लग रहा था वो आएगी। तायंग आती है और बोलती है तुम्हारे दोस्त बोल रहे थे कि तुम ठीक नहीं हो लेकिन तुम तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हो। वो बोलता है मुझे पता था तुम आओगी। फिर दोनों जाने लगते हैं। वो बोलता है आज मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बोलो तो यह खंबा उठा के ले जाओ। वो बोलती है हाँ वैसे भी मेरे रूम में लाइट बहुत कम है। फिर वो उसे एक पैकेट देता है और बोलता है ये तुम्हारा है, ये तुम्हें लेना चाहिए। वो देखती है उसमें बहुत सारी दवाइयाँ थी। वो बोलती है ये किस लिए? वो बोलता है तुम्हारे हाथों के लिए। वो बोलती है इतने सारे क्यों, क्या ये कोई फ्रूट्स है कि इतने सारे ले आए? वो बोलता है मुझे बहुत बुरा लग रहा था तुम्हारे हाथों के लिए। वो बोलती है बुरा लग रहा था, प्रैक्टिस नहीं किया तुम ऐसे पार्टी करने चले आए? वो बोलता है मैंने तुम्हें रेस्ट दिया था, अगर तुम उसी हाथों से खेलती तो और भी ज्यादा दुखता। ताइजुन थोड़ा सा सैड था। तायंग उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, बोलती है तुम्हें जितना विश्वास मुझ पे है उतना तुम अपने आप पे भी करो, तुम बहुत अच्छे खेलते हो, तुम बहुत दूर जाओगे। फिर वो खुश हो जाता है। फिर तायंग बोलती है एथलीट्स के हाथों में ऐसे तो छाले पड़ते ही रहते हैं
फिर वो बोलती है ये सुंदर नहीं है, है ना। वो बोलता है हाँ सुंदर नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा कूल है और तुम भी बहुत ज्यादा कूल हो। कर्फ्यू लग चुका था, वो दोनों अपने ड्रोम के अंदर नहीं जा सकते थे, इसीलिए वो लोग टेनिस कोर्ट में ही सो जाते हैं। ताइजुन सपना देख रहा था, वो ओलंपिक खेल रहा है और उसने गोल्ड मेडल जीता है। फिर उसकी नींद टूट जाती है और वो बोलता है ये सपना मैंने ना जाने कितने दिनों से देखा है लेकिन ये कभी भी पूरा नहीं होगा, बस रात के समय ही ये सपना मेरे साथ रहता है। फिर वो तायंग को देखे जा रहा था, वो दोनों बहुत दूर दूर सोए थे। तायंग सपना देख रही थी और सपने में वो कुछ खा रही थी। ताइजुन हंस रहा था, फिर तायंग रोल करते करते ताइजुन के बहुत ज्यादा पास आ जाती है। ताइजुन पहले उसे हटा रहा था, बाद में उसका सिर अपने हाथों के ऊपर रख लेता है और बोलता है तुम खाना बंद करो, सपने में भी तुम सो ही जाओ, तुम्हें रेस्ट की बहुत जरूरत है। फिर वो प्यार से उसे देखे जा रहा था, फिर तायंग की नींद टूटती है और वो उठती है। दोनों ही बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो गए थे। फिर वो बोलता है तुम ऐसे रोल करते हुए यहाँ तक आई हो और तुम क्या खा रही थी सपने में। उसे याद आता है सपने में उसने देखा था ताइजुन और वो किस कर रहे थे। वो बोलती है किस, वो बोलता है क्या किस, बोलती है नहीं वो नहीं, मुझे अपनी हाइट बढ़ानी है, मैं देख रही थी कि मैं कितनी लंबी हो गई हूँ, मुझे ना अपनी हाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये रहता है कि मैं थोड़ी सी लंबी हो जाती। फिर वो बोलती है सबकॉन्शियस माइंड, इसका मतलब वो मैं चाहती थी। फिर सारे टीम मेंबर्स आ जाते हैं, फिर वो दोनों वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। जंग हवन के डैड ने जंग हवन के नाम पे एक टूर्नामेंट रखा था। कोच को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्या ये लोग पागल हो चुके हैं। जंग हवन और योमिन रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। जंग हवन बोलता है मेरी ब्लाइंड डेट कहाँ है। वो बोलती है उसने मुझे मैसेज किया, उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, वो नहीं आ पाएगी, तुम मेरे साथ ही रह लो। वो बोलता है नहीं मैं तो उसके लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। योमिन बहुत ज्यादा जेलस होती है। फिर कोच कॉल करता है जंग हवन को, बोलते है तुमने बस सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक में, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और तुम्हारे डैड को क्या लगा तुम्हारे नाम पे टूर्नामेंट रखेंगे, लोग हंसेंगे। वो बोलता है प्लीज कोच डैड के लिए इतना कर दीजिए, आप अपने टीम को भेज दीजिए, दोनों टीम को। कोच बोलते है नहीं नहीं हो पाएगा। फिर वो बोलते है तो आप अपने बेटी से बात कीजिए। योमिन डर जाती है, वो बोलती है सॉरी डैड मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों इसके साथ हूँ। उसके डैड बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। फिर से ये दोनों साथ है, वो बोलते है ये दोनों साथ में क्या कर रहे है। दूसरे कोच बोलते है टेंशन की बात है, फिर से एक साथ। जंग हवन योमिन को बोलते है क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मेरे साथ नहीं रह सकती हो, तुम्हारे डैड को तो खुशी होगी कि तुम्हारे इतने हाई क्वालिटी वाले फ्रेंड्स है। और फिर बोलता है ओके सॉरी बोलता हूँ। कोच सारे एथलीट्स को बोलते है जंग हवन के डैड ने उसके नाम पे एक टूर्नामेंट रखा है, तुम लोगों को जाना पड़ेगा। सब लोग मना करते है, बस यंगेस्ट एथलीट्स जो तीन थे वही बोलते है ठीक है हम लोग जाएंगे। और फिर कोच बोलते है ठीक है तुम तीनों जाओगे और तुम्हारे साथ पार्क ट्विंस भी जाएंगे। यूरी अपने फ्रेंड को बोलती है हम तायंग को भेजेंगे वहाँ पे, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स के लिए ही वो बनी है, उसकी औकात यही है। और ये सब तायंग के डैड सुन रहे थे। फिर तायंग के डैड उसके बारे में पूछते है, वो लोग बोलते है हमें नहीं पता। वो बोलते है ठीक है मैं कॉल कर लूंगा और बोलते है ये लो स्ट्रॉबेरीज मैं उसके लिए लाया हूँ, तुम लोग मिल बांट के खा लेना और हाँ तायंग को थोड़ा सा अच्छे से ट्रीट करना। तायंग और यूमिन के डैड दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स से ज्यादा वो दोनों एनिमी थे। दोनों एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे थे। कोच बोलते है तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी की यह हालत है। वो बोलते है मतलब, वो बोलते है तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे बोलने पे ही तो घूस दिया था है ना, लेकिन उसके फादर को तो ये सब कुछ भी पता नहीं था। तभी तायंग आती है, फिर वो दोनों जाने लगते हैं। उसके डैड उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थे, वो बोलते हैं तुमने घूस दिया था। वो बोलती है नहीं डैड ये बस रूमर था। डैड बोलते हैं और वो रूमर लेके तुम चल भी रही हो, तुम 3 साल पहले भाग गई थी, मैंने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम क्यों भागी थी, मुझे लगा था तुम्हारी कोई रीजन थी, लेकिन ये रीजन। वो बोलते हैं तुम्हें मैंने कैसे पाला है, तुम तो जानती हो ना तुम अपना रीपे भी नहीं कर रही हो। वो बोलती है हाँ मैं रीपे कर दूंगी, इसीलिए तो मैं वापस आई हूँ। फिर वो रोते हुए चली जाती है। उसके डैड बोलते हैं तुम्हारे लिए मैं स्ट्रॉबेरीज लाई हूँ, सब मिलके खाना। वो अकेले अकेले बोलती है मुझे पता है मेरे साथ कोई नहीं खाएगा। फिर वो पास्ट की बातें सोचती है। जूनियंग और वो ट्रेनिंग पे थे, कोच बोलते है आज ट्रेनिंग नहीं होगी, तुम लोग मजे कर सकते हो लेकिन नो अल्कोहल। फिर कोच चले जाते हैं और जूनियंग और वो बहुत अच्छे फ्रेंड
फ्रेंड्स थे। जूनियंग को वो जबरदस्ती बाहर लाती है रात को। जूनियंग नेशनल टीम में खेलने के लिए बहुत ज्यादा फोकस थी। वो बोलती है आज तुम सब कुछ भूल जाओ और बहुत मजे करेंगे। फिर दोनों ड्रिंक करते हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए थे। दोनों स्केटिंग करने लगते है। जूनियंग को नहीं आता था ठीक से और स्केटिंग करते करते तायंग सब कुछ ब्लर देख रही थी और वो डिसबैलेंस होके जूनियंग को धक्का दे देती है और दोनों ही गिर जाते हैं बुरी तरीके से। सीन शिफ्ट होके ताईजून को दिखाया जाता है। वो अपने सिस्टर यानी जूनियंग को मैसेज करता है कि तुम्हारे लिए हम सभी वरीड है, मॉम डैड और मैं भी। क्या तुम स्पेन में हो? तुम एटलीस्ट बता दो कि तुम जिंदा हो। वो बार बार मैसेज करता रहता था और कॉल भी करता रहता था लेकिन वो कोई भी रिप्लाई नहीं करती थी। ताईजून को अपने फ्रेंड से पता चलता है कि ताईयांग के डैड बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज लाए हैं सबके लिए लेकिन सब लोग तो नहीं खाएंगे और इसीलिए ताईयांग को बहुत बुरा लगेगा। फिर ताईजून और लवबर्ड्स मिलके सारे स्ट्रॉबेरीज खाने लगते हैं। वो दोनों बोलते हैं हमसे और नहीं खाया जा रहा है। वो बोलता है ठीक है, अगर तुम लोग नहीं खाओगे तो मैं बोल दूंगा तुम लोग डेट कर रहे हो। फिर वो लोग सारा स्ट्रॉबेरी खा जाते हैं। फिर ताईयांग आती है। वो तीनों बोलते हैं हम तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी खाने आए थे लेकिन उन लोगों ने सारा खा लिया है और बताया भी नहीं कितने छुपे रुस्तम है। ताईयांग को बहुत खुशी होती है। वो बोलती है मैं तुम लोगों को खाना खरीद के दूंगी, चलो चिकन खाते हैं। वो लोग बोलते हैं नहीं, हमसे और नहीं खाया जाएगा। ताईयांग ताईजून से पूछती है मेरी ट्रीट थी लेकिन वो लोग क्यों खाना नहीं चाह रहे थे। फिर ताईजून बोलता है तुम जंग हवन के टूर्नामेंट में जा रही हो? वो बोलती है हाँ मैं जा रही हूँ। वो बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। बोलती है हाँ मुझे पता है, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। वो बोलता है तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? मैं सच में नहीं जाने वाला। वो बोलती है हाँ ठीक है, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। फिर वो दोनों बातें करते करते ताईयांग ताईजून को टच करती है। ताईजून बोलता है तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। वो बोलती है ये लिमिट मुझे दिखती ही नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है जिसे मैं भूल नहीं पाती हूँ लेकिन तुम्हारे साथ रह के मैं उसे भूल जाती हूँ। मैं हंसती हूँ, मैं तुमसे चीजें मांगती हूँ, तुम्हें मेरे लिए बहुत कुछ करने बोलती हूँ, तुम्हारे अराउंड मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। ये सब सुन के ताईजून बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। वो बोलता है तुम प्रैक्टिस करो, मैं जा रहा हूँ, बाय। लड़कों के डोम में लड़के डांस कर रहे थे। यंग सिम आती है और उन लोगों को डांटती है। वो लोग बोलते हैं लेकिन ये तो हमारा डोम है। फिर वो अंदर रूम में जाती है कैप्टन के पास और कैप्टन को डांटने लगती है कि तुम जा रहे हो, उस ताईयांग के साथ तुम क्यों जा रहे हो। वो बोलता है मैं कैप्टन हूँ और सारे यंग लोग जा रहे हैं और मैं सबसे ज्यादा ओल्ड हूँ तो मुझे जाना ही पड़ेगा और टीम मेरा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही है और ताईयांग भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर वो प्यार से यंग सिम को बोलता है तुम प्लीज टेंशन मत लो। जंग हवन अपने होम टाउन में आता है जहाँ पर उसके फादर ने टूर्नामेंट रखा था। सब लोग उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जंग हवन अपने डैड से बात करता है। बस से सारे एथलीट्स उतरते हैं, ताईयांग की टीम भी उतरती है। कैप्टन ताईयांग से पूछता है तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है? वो बोलती है न्यू शूज है इसीलिए शू बाइट हो गया है। फिर वो बोलता है तुम इतना प्रैक्टिस करती हो, एक दो दिन ही तुम्हारा शू चलता है। वो हंसती है। फिर वो चली जाती है और कैप्टन उसे प्यार से देखे जा रहा था। योमिन भी टूर्नामेंट में आ रही थी। वो कोर्ट से बातें कर रही थी। कोर्ट को वो जंग हवन एड्रेस कर रही थी और उसे डांट भी रही थी। जंग हवन बैठ के जूनियंग की और उसके पिक्चर्स देख रहा था। असल में जूनियंग उसकी गर्लफ्रेंड थी। फिर वो जूनियंग को इमेजिन करता है। जूनियंग उसे बोलती है मुझे तुम्हारे गले में गोल्ड मेडल देखना है और तुम्हारे पेरेंट्स से भी मुझे मिलना है। जंग हवन बहुत सैड हो जाता है और जंग हवन जाने लगता है और उसकी मुलाकात होती है ताईयांग से। वो ताईयांग को बहुत ही उल्टा सीधा बोलता है तुम्हारी वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया, वो चली गई, मुझे पता तक नहीं 3 साल से वो कहाँ है, वो मेरे से बात तक नहीं करती, या फिर वो जिंदा है या मर गई। तुम्हें देखो तुमने गलती की थी लेकिन तुम कितनी खुशी खुशी लौट आई, 3 साल बाद भी तुमने अपना कमबैक कर लिया, लेकिन उसका और मेरा मैं तो एक दिन भी उसे नहीं भूला हूँ। ताईयांग उसे बार बार सॉरी बोलती है और बोलती है मुझे भी दुख है कि क्या हुआ था। फिर वो बोलती है तुम ऐसे क्यों रहते हो, तुम्हें खुशी रहना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी में तो बहुत कुछ अच्छा होता है, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता है, तुम प्लीज खुशी रहना, ऐसे मत रहो। फिर वो चली जाती है और वो जाते हुए पास्ट की बातें सोचती है। उस दिन जब वो दोनों गिर गए थे फिर जूनियंग के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। फिर एम्बुलेंस आती है और कोच उन दोनों को बहुत डांट रहे थे कि इतनी रात
को तुम लोग हाइकिंग के लिए क्यों गए थे। जूनियंग के पैरों में बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो गया था, वो न्यूज पढ़ती है, बोलती है लोगों को लग रहा है कि मैंने इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया है नेशनल टीम के लिए कि मेरे पैरों में फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन लोगों को क्या पता कि मैं ड्रंक होके स्केटिंग कर रही थी। तायंग उससे सॉरी बोलती है। जंगहवन तायंग को डांटता है, बोलता है तुम उसे लेके क्यों गई थी, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जूनियंग जंगहवन को डांटती है, बोलती है इसमें उसकी गलती नहीं है, ये बस एक्सीडेंट था, तुम प्लीज चुप रहो। स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। तायंग देखती है ताईजुन आया है, वो पूछती है तुम क्यों आए हो, वो बोलता है जीतने तुम्हारे साथ। वो फिर रोने लगती है, बोलती है क्या मैं जीत सकती हूँ, क्या मुझे राइट है जीतने का। फिर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। ताईजुन चाह के भी उसे हग नहीं करता है, बस ऐसे ही खड़ा रहता है। एपिसोड 3 यहीं पे खत्म होती है, अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।